नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वीटा ऐप को आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो और गाइस वीटा ऐप में आप अपनी वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना और गाइस आपको ऑल पर सेट कर देना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वीटा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जी गाइस मैंने इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से गाइस आप इस वीटा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद सिंपली गाइस आपको इस ऐप को ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद यहां पर गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी वीडियो एडिट करने के लिए गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले सिंपली आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ से गाइस आप अपनी फोटो से वीडियो भी बना सकते हो और गाइस आप अपनी वीडियो क्लिप को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो गाइस अपनी वीडियो एडिट करने के लिए सिंपली गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर देनी है, जिस भी वीडियो को यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस आप भी जितने वीडियो एडिट करना चाहते हो गाइस आपको अपनी वीडियो क्लिप को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद सिंपली गाइस आपको इस एरो पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो वीटा ऐप में आपकी वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी और इसके बाद यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे की ओर गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज करके वीटा ऐप में आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर वन बाय वन सभी टूल के बारे में आपको यहाँ पर बता लेता हूँ कि वीटा ऐप में आप अपनी वीडियो को किस प्रकार से एडिट कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर एडिट का मिल जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो क्लिप को एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिप को ट्रिम कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो क्लिप को यहाँ पर ट्रिम करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, तो गाइस आपको सिंपली इस लाइनिंग को उस वीडियो क्लिप के ऊपर लेके आना और यहाँ पर गाइस आपको सिंपली स्प्लिट पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो क्लिप है वो यहाँ पर कट हो जाएगी। जी गाइस आप देख सकते हो वीडियो के यहाँ पर दो पार्ट हो चुकी है। इसके बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो क्लिप को डिलीट करना चाहते हो इस एक्स्ट्रा वीडियो क्लिप को, तो गाइस आप देख सकते हो सिंपली आपको डिलीट पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो क्लिप यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो क्लिप को यहाँ पर स्लो मोशन करना चाहते हो, यानी कि गाइस अगर आप अपनी वीडियो में यहाँ पर स्लो मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन मिला था स्पीड का, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो क्लिप में स्लो मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में यहाँ पर फास्ट मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली गाइस आपको इस डॉट को इस ओर लेके आना है और इसके बाद गाइस आपकी वीडियो में यहाँ पर फास्ट मोशन इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और गाइस अगर आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली गाइस आपको इस डॉट को यहाँ पर लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाना और गाइस आपकी वीडियो में जो यहाँ पर स्लो मोशन इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो गाइस आप अपने हिसाब से अपने स्लो मोशन और फास्ट मोशन जो इफेक्ट है अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो और गाइस आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो में यहाँ पर फास्ट मोशन और गाइस स्लो मोशन इफेक्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक रिवर्स का ऑप्शन मिला था, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अपनी वीडियो में रिवर्स इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिला था, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अपनी वीडियो का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो और गाइस आपको इसके बाद सिंपली टिक पर क्लिक कर देना। और इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाता है और गाइस रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो में और भी वीडियो क्लिप ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो क्लिप को फिर से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप डबल वीडियो क्लिप यहाँ पर कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है और गाइस रोटेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो क्लिप को रोटेट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बाहर और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अपनी वीडियो का रेशियो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और गाइस आप जिस भी रेशियो को सेलेक्ट करना चाहते हो सिंपली गाइस आपको इसके बाद सिंपली टिक पर क्लिक कर देना। और इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। गाइस अगर आप अपनी वीडियो में इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर
फ्रेंड्स आपको फिर से इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप फ्री में बिल्कुल फ्री में अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। गाइज आप देख सकते हो ऊपर की ओर बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर इफेक्ट कैटेगरीज मिल जाते हैं जिनको आप जिस भी कैटेगरी के इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो आप अपनी वीडियो में बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो। सिंपली आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना और गाइज इफेक्ट डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप उस इफेक्ट को अपनी वीडियो में बड़ी आसानी से यूज कर पाओगे। तो गाइज कुछ इस प्रकार से इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको टिक पर क्लिक कर देना है और इसके बाद गाइज आपकी वीडियो में यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आपको और भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइज अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो गाइज आपको सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज आप अपनी वीडियो में अपने किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। और गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं और गाइज अगर आप अपनी वीडियो का टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो गाइज यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे गाइज आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में स्टिकर ऐड करना चाहते हो तो गाइज आपको सिंपली स्टिकर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे अनलिमिटेड स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो। और इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में अपनी मनपसंद म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो गाइज आपको यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीटा ऐप में बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाते हैं जिनको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। और इसके अलावा गाइज अगर आप अपनी डिवाइस में से किसी भी म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको डिवाइस पर क्लिक कर देना और यहाँ से भी गाइज आप म्यूजिक को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे गाइज आप देख सकते हो यहाँ से आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन कर सकते हो स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। इसके अलावा गाइज बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो वीडियो का तो सिंपली आपको बीजी पर क्लिक कर देना और यहाँ से गाइज आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिससे कि गाइज आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। और इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको मैंने यहाँ पर पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप वीटा ऐप में अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो, अपनी वीडियो में इफेक्ट और फिल्टर यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो वीडियो को एडिट करने के बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करते ही गाइज आपकी वीडियो यहाँ पर आपके फोन की गैलरी में यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। और गाइज जैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो गाइज ये वीडियो आपकी गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगी। और इसके बाद गाइस अगर आप वीटा ऐप में अपनी फोटो से वीडियो बनाना चाहते हो तो सिंपली गाइस आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपके यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर देनी है जिस भी इमेज को आप अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर दो तीन इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और गाइस आपको इस एरो पर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी फोटो से वीडियो वीटा ऐप में बना सकते हो। जैसे गाइस आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन के बारे में मैंने यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। तो गाइस इस ऑप्शन को यूज करके गाइस आप वीटा ऐप में अपनी फोटो से वीडियो बना सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में आपको यहाँ पर बता लेता हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर अपनी फोटो में यहाँ पर अपने मनपसंद इफेक्ट को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, आप जिस भी इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और गाइस इफेक्ट डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपकी वीडियो में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा गाइस आप इफेक्ट को यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जहाँ तक आप इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो। और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में स्टिकर ऐड करना चाहते हो तो गाइस आपको स्टिकर पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो में स्टिकर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी फोटो की टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आपको फोटो पर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइस यहाँ से आप अपनी फोटो की टाइमिंग को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। और इसके बाद गाइज आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको म्यूजिक पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप अपने मनपसंद म्यूजिक को यहाँ पर अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे वीटा ऐप के भी म्यूजिक आपको मिल जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में अपनी डिवाइस में से म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको डिवाइस पर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइज आप अपने मोबाइल में से किसी भी सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज कर पाओगे। और इसके बाद गाइज अगर आप अपनी वीडियो में यहाँ पर फिल्टर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको फिल्टर पर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अपनी वीडियो शानदार तरीके से एडिट कर सकते हो। सिंपली गाइस आप जिस भी फिल्टर को यूज करना चाहते हो सिंपली आपको उस फिल्टर पर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो फिल्टर ऐड हो चुका है और गाइस आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना। और इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में म्यूजिक अपने हिसाब से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो तो गाइस यहां से आप वॉल्यूम को अपने हिसाब से यहां पर कम ज्यादा कर सकते हो। और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहां पर आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और गाइस आप देख सकते हो
यहाँ से आप अपनी स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप बना सकते हो। तो गाइज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप वीटा ऐप में अपनी फोटो से वीडियो भी बना सकते हो। और गाइज गैलरी में वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, और उस पर क्लिक कर दी गाइज वीडियो पर गैलरी में सेव हो जाएगी। और इसके बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है। गाइज अगर आप टेम्पलेट में अपनी फोटो डाल करके वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइज आपको सिंपली टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारी टेम्पलेट देखने को मिल जाती है, जिसमें गाइज आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी फोटो डालनी है और गाइज आपका वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके उसमें अपनी फोटो ऐड कर लेता हूँ। जैसे गाइज आप देख सकते हो इस टेम्पलेट पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद गाइज आपको सिंपली यूज नाउ पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर देनी है, जिस भी फोटो को यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे गाइज आप देख सकते हो सिंपली आपको इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर देनी है। देन गाइज आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देना, और गाइज आपकी फोटो यहाँ पर इस टेम्पलेट में यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो तुम्हारा वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली गाइज एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज इस वीडियो को भी गाइज आप अपनी गैलरी में सेव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप वीटा ऐप को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। और गाइज वीटा ऐप में आप अपनी फोटो से वीडियो बना सकते हो, और गाइज अपनी वीडियो को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप वीटा ऐप को अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।